प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। हमारा राजाओं का राजा प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों को पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवनों में किया है, मैं सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद जीवते सच्चे समर्थी। मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर मैं आपकी स्तुति करती हूँ परम पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर, सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला प्रभु जी, सारी सृष्टि के कर्ता पिता परमेश्वर, आपने सबको बनाया प्रभु जी अपने वचन से, अपने शब्द से। आपने जैसा बोला वैसा ही हो गया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, आपने हमारी रचना की है और पिता परमेश्वर आपने हमें बुलाया है, और केवल बुलाया ही नहीं, और हमें परमेश्वर आपने हम सभी लोगों को चुन लिया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुबह, ये नई सुबह जो आपने हमें दिखाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो 365 पिता परमेश्वर 365 दिन आपने हमें सांस दिया पिता परमेश्वर, और अभी तक नया जीवन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा और संभाला है, अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाला है और सभी लोगों को संभाला है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। ये सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन में कि प्रभु ने हमें सुरक्षित संभाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, आज के दिन प्रभु जी कितने ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो आज का ये दिन को देख नहीं पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जो कि प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें नया दिन दिया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते। इस गवाही के लिए हम धन्यवाद करते कि हर एक भाई बहनों के जीवनों में दिया है, ताकि आज वो इस सुबह के समय आज इस प्रार्थना को वो सुन पा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा महिमा मैं पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा पिता परमेश्वर, सबसे ताकतवर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर, जो परमेश्वर को खोजता है परमेश्वर उसे ब्लेस करता है, उसे आशीष देता है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और वही शांति को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, और इस प्रार्थना को पूर्ण रीति से प्रार्थना करें, अभिषेक के साथ प्रार्थना करें, आग आत्मा की आग के अभिषेक के साथ। और इस प्रार्थना को जब आप सुनते हैं, तो आज कई लोग जो है प्रार्थना को सुनते सुनते वे चंगे हो जाएंगे। आप यदि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद आज आपके जीवन में कोई श्राप नहीं रहेगा, सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से हर एक दुष्टात्मा काम करना बंद हो जाएगा, दुष्टात्मा छोड़कर चले जाएगा, बीमारी छोड़कर चली जाएगी। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। आज सुबह के समय प्रभु जी हर एक भाई बहनों को परमेश्वर पिता, उनके जीवनों को प्रभु जी मैं आपके लहू में मैं ढांपती हूँ पिता परमेश्वर, आपके लहू में कवर करती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ सबको एक मन होकर प्रार्थना करने का आत्मा देना परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर। एक मन होकर हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर पिता प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। जिसका मन नहीं कर रहा प्रार्थना में, यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ। जो प्रार्थना करने से रोकती है स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना का आत्मा आज आपके ऊपर आना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया करो परमेश्वर पिता कि हम सभी एक मन होकर प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। आपका मन इधर उधर न भटके, प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे परमेश्वर। हमारे बीच में हमें देखता रहता है निरंतर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, क्या हम प्रार्थना करने में वफादार हैं, क्या हम वचन पढ़ने में वफादार हैं परमेश्वर। हमें परमेश्वर हमारा देखनहारा परमेश्वर है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हालेलुया, इसलिए आप चिंता न करें हम क्या करेंगे क्या करेंगे। अभी आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए परमेश्वर में, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति है परमेश्वर पिता। हमारे पिता सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके लहू से पिता परमेश्वर हम मोल लिए गए पिता परमेश्वर। आपने दाम देकर हमें मोल लिया है और हमें छुड़ाया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे सारे पापों को आपने पिता परमेश्वर क्रूस पर ले लिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हमें पिता परमेश्वर विजय देने वाला पिता परमेश्वर, सब कुछ बढ़ा कर देने वाला पिता परमेश्वर, हमारी मुख की चमक प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे अति आनंद का परमेश्वर, हाँ प्रभु आपकी स्तुति है परमेश्वर पिता। और हमारा नाम लेकर, एक एक का नाम लेकर बुलाने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सदा के लिए विराजमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर।
परमेश्वर और पीढ़ी पीढ़ी से राज्य करने वाले परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ और अपनी पवित्रता के साथ बोलने वाले परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये सुबह पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक एक भाई बहनों के जीवनों को आपके लौ में कवर करती है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर जितने सभी भाई बहनों को आज आत्मा में नया कर दे पिता परमेश्वर, आत्मा में पूर्ण रीति से स्ट्रॉन्ग कर दीजिए पिता परमेश्वर, या आत्मा में नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद दो। तो आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, हर जगह पाप है और शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड ने सारे संसार के लोगों को जीवन के इस पर कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है और सब पाप में जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है और जो कोई परमेश्वर को खोजेगा, चाहे पापी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है और जो पापी है, यदि आज आप परमेश्वर को अपने मन से, अपने प्राण से, अपने देह से प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, तो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जो मसीह में विश्वास करते हैं ना करते हो, आज एक बार विश्वास करके देखिए, आप परमेश्वर को खोजिए। एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैं भी अन्य जातियों में से आई हूँ, जब मैं परमेश्वर के नाम को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, ये कौन है मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख और क्लेश, तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई, कोई रास्ता नहीं दिखा, हम सब कुछ करके थक चुके थे अपने जीवन में, हर चीज, कोई जगह ऐसा नहीं था कि जहां हम गए नहीं होंगे अपने इलाज के लिए। हॉस्पिटल तो गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल आता था। और उसके बाद हर मंदिर, हर जगह जहां बोलते थे कौन बाबा, ये बाबा, हर जगह गए, लेकिन कहीं पर भी हमें शांति नहीं मिलती, बल्कि हमारे घर में और ज्यादा क्लेश बढ़ते गए, और ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होने लगी, और ज्यादा मेरा तबीयत खराब होने लगा बहुत ज्यादा, और मैं हमेशा बीमार रहती थी, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था बार 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 बार। और कितनी बार ऐसी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैंने अपने आप को, मैं ऐसे बोला करती थी, अब शैतान तू ही ले जा, अब मैं जी के क्या करूंगी। मेरे मुंह से फिर ऐसे भी निकलने लगा था, क्योंकि उस समय कुछ नहीं पता था क्या करना, कि सब कुछ थक चुके थे, हर चीज पूजा करवा के, हवन करा के, कथा करा के, सब कुछ कर करके थक गए थे। हर एक चीज की पूजा की, हर एक मूर्ति की पूजा की, ऐसा कोई भगवान नहीं छोड़ा जिसके हम पूजा अर्चना ना की हो। लेकिन लास्ट में बोले कि एक बार ये लास्ट आप ट्राई कर लो, किसी ने बताया एक बार लास्ट आप जाकर देख लो, और लास्ट में ट्राई किया और जहां प्रेयर करवाने गए वहां हमें शांति मिली। और देखिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें बुलाया था, लेकिन उसके बाद जब हम परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर को माना, तो और हम परमेश्वर के अनुसार चलने लगे और हम परमेश्वर के लोग बन गए। आज कई लोगों को देखते हैं कि लोग चंगाई के लिए जाते हैं, चंगाई के लिए ही सिर्फ प्रार्थना सुनते हैं और चंगाई के लिए सब कुछ करते हैं, परमेश्वर के वचन को इतने इंपॉर्टेंट नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का वचन यदि आप में जड़ नहीं बना है, तो आपके जीवन में थोड़ा सा भी, हल्का सा भी क्लेश आएगा तो आप परमेश्वर को छोड़ देंगे। लेकिन जिसके जीवन में जो वचन, जो जड़ पकड़ा हुआ है और वचन को जानता है, तो वो टस से मस नहीं हो सकता, चाहे आंधी तूफान आ जाए उसके जीवन में, चाहे क्लेश आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, वो कभी वो हट नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां से हमने गुजरे और अंत में हमने परमेश्वर को जाना। और देखिए, आज परमेश्वर ने मुझे और हमारे घराने को परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो धन्यवाद हो। तो परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। यदि आज मसीह में भाई बहन जो मसीह को नहीं मानता, वो भी मैं आज उनको भी बता रही हूँ कि यदि आप परमेश्वर को, परमेश्वर पे विश्वास करें, आपको सिर्फ काम करना, सिर्फ विश्वास करना और कुछ नहीं करना, और प्रार्थना को सुनिए, रोज सुनिए, और आप एक बार विश्वास करके देखिए और अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। गवाही का मतलब आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। कितने लोग हैं परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि नए लोग जो वचन को सुन रहे, तो परमेश्वर का आत्मा जो आपसे बात कर रहे हैं, आए एक बार परमेश्वर को एक्सेप्ट करके देखिए, एक बार विश्वास करके तो देखिए। हर जगह आपने सब कुछ कर लिया और अभी तक आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, और आज एक बार प्रभु यीशु मसीह पर
एक बार विश्वास कीजिए तो, और अपने जीवन में चमत्कार को देखिए। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल के रख सकता है, जैसे कि मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला और आशीषित किया, और अभी तक मैं आशीषित हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए जो लोग मसीह को खोजते हैं, जो मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर उसको नया जीवन देता है। और इसलिए परमेश्वर की उस वायदों को पढ़ें, वचन में, बाइबल में जो लिखा हुआ है, प्रसन्न हो जाइए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में से सारे दुख, तकलीफ, क्लेश, मुसीबत को खत्म कर देगा। परमेश्वर के प्रेजेंस में आइए, प्रार्थना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। और परमेश्वर का वचन और उसकी उपस्थिति में आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, तब आपको इन सारी अभिलाषाओं पर पूर्ण रीति से आपको जय मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें, आप उस अभिलाषाएं जो आपके जीवन में कार्य करती, जो पाप इस दुनिया में हर जगह व्याप्त है, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, और जीवन का जीविका का घमंड ने पूरे संसार के लोगों को कैप्चर करके रखा हुआ है। और जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम सारे नए हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, तो पुरानी बातें सब बीत गई और सब कुछ नया हो गया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो क्या आज आप अपनी आत्मा में नयापन चाहते हैं? क्या आज आप नया होने के लिए चाहते हैं? क्या आज आप बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, आशीष को चाहते हैं? अपने आत्मा, प्राण, शरीर को आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु के आत्मा शुद्ध करने वाले लहू के द्वारा आज आप सारे शुद्ध हो जाइए। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। आपके हर एक पापों से और बीमारियों से, बुरी आदत से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपको परमेश्वर जयवंत करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने सारे शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दीजिए, उसके चरणों में आ जाइए और परमेश्वर के बाट जोइए। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर के समीप आइए। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है, आज आप विश्वास कीजिए परमेश्वर में, परमेश्वर आपके जीवन से सारे कष्ट मुसीबत को खत्म कर देगा। परमेश्वर आपके अंदर नया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर अपने आपको, सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, राजाओं का राजा, महिमा में पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आज अपनी करुणा के अनुसार प्रभु जी हम सभी भाई बहनों पर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। अपनी दया के अनुसार प्रभु जी आज हमारे सारे अपराधों को मिटा दीजिए प्रभु जी, हमें लहू से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ हमारे सारे अपराधों को आप जानते हैं प्रभु जी, और हमारी पाप हमारी दृष्टि में निरंतर बना रहता है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हमने सिर्फ केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो आपकी दृष्टि में वही बुरा किया पिता परमेश्वर, ताकि आप बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे पिता परमेश्वर। देख हम अधर्म के साथ उत्पन्न है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़े, देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो हम पवित्र हो जाएंगे, हमें धो और हम हिम से भी अधिक श्वेत बनेंगे। हमें हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे हड्डियां जो तूने तोड़ डाली वह मगन हो जाए। हाँ प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, हमारे सारे पापों को पिता परमेश्वर दूर कर दीजिए, अपने मुख हमारे पापों की ओर से फेर ले प्रभु जी, और हमारे सारे धर्म के कामों को मिटा दीजिए पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दीजिए, हमारे भीतर स्थिर आत्मा, नए सिरे से उत्पन्न कर दीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी, हमें अपने सामने से निकाल मत दीजिए प्रभु, दया करो प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कीजिए परमेश्वर पिता, अपने केवल दार को फिर से हमें हर्ष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं पापी हूँ पिता परमेश्वर, मुझे पापी पर दया कीजिए प्रभु जी, और सारे पापी आपकी ओर फिरे यीशु मसीह के सामर्थी नामे। हे परमेश्वर, हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उद्या चलस्ता चल से जितनी दूर है उतने ही दूर आपने सारे हमारे अपराधों को दूर कर दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, दया करो, हमेशा सभी पिता परमेश्वर हत्या की अपराध से छुड़ा लिया, धन्यवाद करते हैं।
तब हम तेरे धार्मिकता के जय जयकार करने पड़ेंगे। पिता परमेश्वर हमारा मुंह को खोल दीजिए ताकि हम आपकी स्तुति कर सके और आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दे सके। प्रभु जी दया करो, पिता परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो प्रभु जी। धन्यवाद, दया करो, दया करो, दया करो हमारा विजय। यह वह निस्सी पिता परमेश्वर, यह वह यरी हो पिता परमेश्वर, यह वह रफा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर, यह वह सिद्ध की पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हर एक भाई बहनों के जीवन को आज मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। ऑल आर फ्री इन द मैची नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सभी फ्री हो जाए अपनी बीमारी से, सारे चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो घर में है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज परमेश्वर का अनुग्रह आपको छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पूर्ण रीति से प्रार्थना करें, अभिषेक में आ जाइए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई रोग नहीं रहेगा आपके जीवन में। हालेलुया रबा खतुरा बशरा बगा दिरा बतिरा डगे दिरा बगा दिरा बतिरा हालेलो रबा बाबा बाबा खतिरा बशरा बगा खतिरा बगा खतिरा लिबी की दिरा बगा दिरा बतिरा। दयालु पिता परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दयालु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हालेलुया से नाव का यवा प्रभु जी, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन है जो बीमारी की हालत में अपने बिस्तर में बैठे हुए, पिता परमेश्वर एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। छुटकारा दो प्रभु जी, हमारा चंगा करने वाला यवा, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक बीमारी यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाइए, हर एक खांसी हर एक कफिंग से आजाद हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य कर रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपको छू रहा है, इसी वक्त आपको छू रहा है। हालेलुया रब बब खतिरा लब खतिरा लब शरा लब गदिरा लब तिरा लब खतिरा लब तिरा। आप इधर उधर ध्यान न दे, परमेश्वर में आ जाइए। पूरी रीति से प्रार्थना को सुनिए, मन लगाइए, प्रार्थना करें साथ में। हालेलुया रब बब खतिरा लब शरा लब गदिरा लब खतिरा लब तिरा। आपके जो भी दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, यदि आपके आंखों में दर्द है तो हाथ रखिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके पैरों में दर्द है वहां पर हाथ रखिए। यदि आपके छाती में दर्द है तो हाथ रखिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको शुगर है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जहां पर भी आपको दर्द है वहां पर हाथ रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप चंगे हो जाए। यदि आपको कोई दर्द कोई बीमारी कुछ भी नहीं है तो अपने सिर पे हाथ रखें। हालेलुया रब बब 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 के दिली लिगी दिली लब कतिर लब कतिर लब तिरा। हालेलुया रिकी चिर लब कतिर लब शेर लब कतिर लब तिरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी फ्री ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी डिसीज इन योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया एवरी डिसीज एवरी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I rebuked, get out, get out, get out, get out, चले जाओ घर को छोड़ के, इनके घर को छोड़कर चले जाओ। हर एक बीमार इनके घर को छोड़कर चले जाओ, हर एक दर्द इनके घर को छोड़कर चले जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक हानि की आत्मा, लॉस की आत्मा इनके घर को छोड़कर चली जाए। हर एक महामारी चले जाओ इनके घर को छोड़कर, कोई महामारी आपको छू नहीं पाएगी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपके घर आपके परिवार आपके सबको लहू में ढांपे हुए हैं। हालेलुया रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया रब बब खेती रिले बगा दिन शरा बगा दिन बतिरा। चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक आपको छू रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। नए हो जाओ, नए हो जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में शुद्ध मन उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर आपको नया जीवन दे रहा है, अभिषेक दे रहा है, आपके आत्मा को नया कर रहा है। आत्मिक जीवन में आप नए हो रहे हैं। पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबखतिरा दिया करो, दिया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन को, मैं आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों के जीवन को आपके लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप नए हो जाए, नए जीवन को पा लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके अपने आत्मा प्राण और देह को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिन्यू योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिन्यू योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु दया करो, इनके जीवन को नया कर दो पिता परमेश्वर। और स्थिर आत्मा दो, विश्वास का आत्मा दो पिता परमेश्वर, प्रार्थना का आत्मा दो परमेश्वर पिता। आत्मिक जीवन में बढ़ाओ पिता, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु जी, पहले प्रेम से भर दीजिए पिता परमेश्वर, अनकंडीशनल लव से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया रब बब बब के
रबगदी आंसू के साथ प्रार्थना करें, आंसू के साथ परमेश्वर आपको आंसू की प्रार्थना का आत्मा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं केवल तू ही है यीशु, बोले मैं नहीं हूँ, बोली केवल आप है यीशु, केवल आप है यीशु। मैं अपने आपको शून्य करती हूँ, बोलिए मैं अपने आपको नम्र करता हूँ, बोलिए मैं अपने आपको दीन करता हूँ, बोलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने दिल को खाली कीजिए, नम्रता का हृदय परमेश्वर दो पिता पर, अपने आपको शून्य कीजिए, सारे घमंड आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, सारे अशुद्ध आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, आंखों के विलास आपको छोड़कर चली जाए, जीविका का घमंड आपको छोड़कर चली जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी गंदगी आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, हर एक दुष्टात्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी स्पिरिट एवरी इविल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु दया करो, शैतान के ऊपर आग गिरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आग गिरे, फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आग की अग्नि बरसा दो पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की व्यक्ति आपको घर को छोड़कर चली जाए, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक समस्या आपके घर को छोड़कर चली जाए, बी फ्री 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे ऑर्डर देती हूँ, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छोड़कर चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके घर में जो भी है पिता परमेश्वर लॉस की काम करती है, हानि की काम करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके फाइनेंशियल को मैं ब्लेस करती हूँ, सब कर्ज से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा, कर्ज से छुटकारा दे रहा है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके हाथों के कामों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, जो इतने दिन से सो नहीं पा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम से आवाज अच्छी मीठी नींद सोए सोएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, जो चल नहीं सकते हैं वो चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, जो अपने हाथ को ऊपर कीजिए, आप हाथ को उठा नहीं पाते यीशु के नाम में, आपका हाथ ऊपर कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की तारीफ कीजिए अपने दोनों हाथों को उठा के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, सशक्तिमान परमेश्वर, इनका शुगर नॉर्मल हो जाए, इनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर एक दर्द की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, हर एक अर्थराइटिस आपको छोड़कर चली जाए, हर एक स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम आपको छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, अपना छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, छोटे बच्चों को, हर एक बेबीज को, हर किड्स को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, आपके लहू में कवर करती हूँ, माता पिता को, भाई बहन को आपके लहू में कवर करती हूँ, हर एक बुजुर्गों को प्रभु जी आपके लहू में कवर करती हूँ, संभाल के रखने प्रभु जी अपने लहू से, पिता परमेश्वर आपके लहू से मैं कवर करती हूँ सभी भाई बहनों को, माता पिता को, हर एक जन को पिता परमेश्वर यीशु के लहू में। हालेलुया, दयालु पिता परमेश्वर, बहुत सारे प्रेयर का रिक्वेस्ट किया परमेश्वर, के प्रार्थना का परमेश्वर पिता उत्तर देना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, परमेश्वर आपके जीवन को गवाही की आशीष दे, गवाही से के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जल्दी ही आप गवाही के साथ आने वाले, और अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु के नाम के लिए अपनी गवाही को शेयर जरूर करें। हालेलुया, प्रभु को आशीष दे और बरकत दे, आपके घर को आशीष दे, आपके बिजनेस को आशीष दे, आपको नौकरी की आशीष दे, आपके फाइनेंस को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्यूमेंट को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, हर एक एक जन को आपके लहू में कवर करती है पिता परमेश्वर। और ये जो महामारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, छोड़ कर चली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्लीन इन द माइटी नेम ऑफ, रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, सभी अपने घर में रहे, और जो परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया इस घर में रहकर प्रार्थना कर सकते, आपको जो को मौका मिला है इस समय आप घर में रहकर ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सके। कई लोग बिजी शेड्यूल के कारण वो प्रेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप प्रार्थना करें ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़े, और जब ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे और वचन को मेडिटेट करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं की अंत हो जाएगी। अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में डाल दीजिए, परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए, परमेश्वर समाधान करेगा, सॉल्यूशन निकालेगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जल्दी हमारे इंडिया से, हर एक कंट्री से ये वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की करुणा इस वायरस से सबसे ज्यादा बड़ी है। हालेलुया, प्रभु इस वायरस से बड़ा है, वायरस कुछ भी नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, और अपने आपको तैयार कीजिए परमेश्वर के आगमन के लिए, बी प्रिपेयर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुद्धता का जीवन जिए। हालेलुया, प्रत्येक दिन
प्रत्येक दिन अपने आप को नए कीजिए और पवित्र कीजिए और शुद्ध कीजिए। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस विनती को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगती, सुन और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे आज सुबह की प्रेयर को आप जरूर शेयर करें और मसीह में सदा आनंदित रहें और समय का सदुपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और वचन पढ़ें, स्ट्रांग हो जाएं परमेश्वर में और पवित्र हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।